मेरा नाम सीमा अखावत, भारतीय जनता पार्टी से जिला उपाध्यक्ष अजमेर से। मैं ये जो राजस्थान की प्रदेश सरकार जो है कांग्रेस की, उनसे हम पार्टी के कार्यक्रम के माध्यम से हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के निर्देशन में ये कार्यक्रम हुआ है, और उसमें पार्टी इस बात की जनता के जो हितों का ध्यान ये सरकार नहीं कर रही है उसके ऊपर ध्यान दिलाना चाह रही है गहलोत सरकार का। कि जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी की सरकार थी, उन्होंने जनता को जितनी भी सुविधाएं दी थी, उन सुविधाओं, मूलभूत सुविधाओं को तो हटा दिया, पर कोरोना जैसी महामारी काल में इस सरकार ने, प्रदेश सरकार ने यहाँ पे 31 मई पे स्पेशली ये कहा गया कि अगर इससे पहले बिल नहीं भरे गए तो आपके सबके बिल काट दिए जाएंगे, और जो लोग बिल भर देंगे उनका अगले बिल माह में 2-5% इनके बिल माफ किए जाएंगे। वो मैसेज आज तक भी जनता के पास सेव है, हम सबके पास है, और हमारी पार्टी के माध्यम से हम राजस्थान की जो ये जनता है उसको राहत दिला के रहेंगे। यहाँ के हल्ला बोल कार्यक्रम के तहत प्रदेश अध्यक्ष जी के निर्देशन में, जिला अध्यक्ष जी के निर्देशन में जो कार्यक्रम चल रहा है, इसमें जनता के हितों के लिए सरकार को झुकना पड़ेगा। और मैं ये पूछना चाहती हूँ कांग्रेस सरकार से कि उनकी जो प्रियंका जी है, प्रियंका गांधी जी जो उत्तर प्रदेश में तो आवाज़ उठा रही है, तो राजस्थान में वो क्यों नहीं अपनी ही सरकार को निर्देशन देती है कि वो जनता को राहत दे? सरकार तो उनकी अपनी है, तो ये राजनीति करना छोड़े। कांग्रेस के चाहे केंद्र के लोग हैं, चाहे राजस्थान प्रदेश के लोग हैं, जनता के राहत के लिए काम करें, यही इस हमारे पार्टी का ध्येय है। इसीलिए हम आज सभी इकट्ठे हुए। जय हिंद, जय भारत।